ये 2 कप हमने मेथी ली है, इसे हमने अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। बारीक कटी हुई मेथी, 2 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसको थोड़ा क्रश करके डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, इसे भी हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल देते हैं, 1 टीस्पून तिल, 2 टेबलस्पून दही, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, 2 टीस्पून हरा नमक, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक कप आटा, 1/4 टीस्पून हल्दी, पहले हम बिना पानी के इसे अच्छे से गूंद लेंगे, उसके बाद जितनी पानी की जरूरत होगी उतना ही हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे। मेथी के परांठों का सख्त दौर तैयार हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसे कुछ देर भिगाने रख देंगे, इससे आटा हमारा अच्छे से ढल जाएगा और इससे परांठे बनाना इजी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी लोइयां बना लेते हैं। लोइयों को हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। हल्का सा घी लगाएंगे इसमें, थोड़ा सूखा आटा को रख देंगे और बीच में से इस तरह से काटते हुए इस तरह से रोल कर देंगे। पांचों लोइयों को हमने तैयार कर लिया है, अब हम पराठे बेलेंगे। परांठे बेल चुके हैं, अब इन्हें सेक लेते हैं।
मेथी के स्वादिष्ट पराठे तैयार हैं। पनीर पराठा बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। ये 1/4 कप मैंने हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। 6 हरी मिर्च मैंने ली है, इन्हें भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 1 चम्मच भुना जीरा मैं इसमें डाल रही हूँ और 2 टीस्पून नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे की लोई बना लेंगे। ये पहले थोड़ा सा बेल लेंगे। कॉर्नर्स को थोड़ा सा हम पतला कर देंगे। इसे हाथों में इस तरह से पकड़ के इसमें भरावन डालेंगे। इसको थोड़ा दबाएंगे ताकि अच्छे से ज्यादा भरावन भर सकें, क्योंकि मसाला जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा पनीर के पराठे का। थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा इसे लगा लेंगे और इसे ऐसे बंद करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लगाकर इसे बेल लेंगे। अब हम ये पराठा सेक लेंगे। तैयार हो गया हमारा सोना पनीर, पौष्टिक पनीर पराठा।